हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है इंटीजर्स। ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग इंटीजर ऑन इट। -10, -7, -5, -1, 3, 5, 7 एंड 10। व्हिच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड व्हिच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। देखो, नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन। आप स्केल यूज कीजिएगा बनाते वक्त, तो प्रॉपर डिस्टेंस के साथ बनाइएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। डिस्टेंस प्रॉपर रखिएगा एकदम। फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6, देखो, आपको इंटीजर्स इसके ऊपर टिक करने हैं कि आपको जो भी इंटीजर्स दिए। -10, देखिए -10 कहाँ पे, नंबर लाइन में -10 यहाँ पे टिक किया आपने। -7 कहाँ पे, यहाँ पर -7। -5, -1, नेक्स्ट इज 3, 5, 7 और 10। ये आपने इंटीजर्स को, सभी इंटीजर्स को टिक कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपको बोला गया था, उसमें मार्क करने के लिए बोला गया था। विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड विच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? तो बताइए, पॉजिटिव इंटीजर्स बड़े होते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स बड़े होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है सारे, और ये क्या है आपके, नेगेटिव इंटीजर। तो देखो, सबसे बड़ा पॉजिटिव में सबसे बड़ा क्या होगा, क्योंकि अभी सिर्फ आपको कितना बोला गया, तो इन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना है। -10, -7, -5, -1, 3, 5, 7 और 10, इनमें से ही आपको सिलेक्ट करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, और इनमें से ही सिलेक्ट करना है सबसे छोटा कौन। इसलिए आप ये मत लिखिएगा कि 11, 12 बड़े नहीं, वो सिर्फ मैं जस्ट नंबर लाइन पे बनाए हैं आपके लिए। आप नंबर लाइन यहाँ तक भी बना सकते हो, सिर्फ यहाँ तक भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है। उन्होंने बोला है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इस 10। सबसे बड़ा कौन सा है, जो गिवन है इसमें सबसे बड़ा है 10, और सबसे छोटा, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो देखो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, सबसे छोटा कौन सा हुआ, -10, इसके अंदर है ना -10। तो देखो, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स -10। Now next, second question. Question number 2. Use the sign greater, less or equal in the box to make the statement true. Second question. First part dekhiye, A, -10, +3, -10, -3. आप देखिए इसमें कि आपको ग्रेटर है, लेस है, आपको सॉल्व करके बताना है, या ये इक्वल है। देखिए, आप माइनस, पहले आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, क्या -10, +-+, -+ -+, -+, +10, +3 = 13, और साइन किसका लगाते हैं हमेशा, बड़े नंबर का, बड़ा कौन सा है, 10, 10 के पास क्या है, माइनस। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, -10, +-+, -+, -7। अब आप ये बताइए, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, -7 बड़ा है कि -13 बड़ा है? देखो, जब भी हम नेगेटिव नंबर होते हैं, तो हमारा जो नंबर होता है छोटा होता है, वो क्या हो जाता है, बड़ा। बड़ा होता है वो होता है छोटा। उसका रीजन क्या है, देखो, आप जब नंबर लाइन बनाते हो, तो यहाँ से 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे जाते हो,
तो माइनस से माइनस टू छोटा है, किससे छोटा है? माइनस वन से छोटा है। माइनस थ्री छोटा है, किससे छोटा है? माइनस टू से छोटा है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है आप ये बताइए, माइनस सेवन बड़ा है कि माइनस थर्टीन बड़ा है? माइनस सेवन क्या है आपका? बड़ा है। ओके, तो बड़े नंबर की तरफ हमने साइन लगाया। अब नेक्स्ट है बी, माइनस थ्री प्लस सेवन प्लस माइनस माइनस एटीन प्लस टू। अब देखो आप इसको सॉल्व कीजिए, देखो क्या रहेगा, माइनस थ्री प्लस सेवन प्लस माइनस इज माइनस माइनस टू। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे माइनस प्लस, पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस प्लस इज माइनस, सेवन माइनस थ्री, सेवन माइनस थ्री इज फाइव, फाइव माइनस टू इज थ्री। यहाँ पर भी सेम सॉल्व कीजिए, क्या है माइनस एटीन प्लस ट्वेंटी, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ट्वेंटी में से एटीन गया तो क्या बचा, टू। साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगता है, ग्रेटर कौन सा है, ट्वेंटी, ट्वेंटी के पास क्या है प्लस, तो हमने प्लस करा। यहाँ पर भी देखो फाइव, फाइव माइनस टू दैट इज थ्री। अब कौन सा बड़ा है, थ्री बड़ा है, मतलब इसकी तरफ साइन आएगा। ओके, नाउ सी, नाइनटीन प्लस माइनस थर्टी फोर प्लस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस टेन प्लस माइनस ट्वेंटी, क्वेश्चन है आपका। तो देखिए पहले आप साइन को कर लीजिए, 19 प्लस माइनस इज माइनस प्लस 15। बोडमास रूल को भी अगर आप यूज करते हो तो बोडमास रूल में भी पहले क्या करना होता है, हमको एडिशन करना होता है, उसके बाद हमको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो पहले आप एडिशन कर लीजिए, अगर आप एडिशन करते हो तो एडिशन कौन सा है, 19 प्लस 15, 19 प्लस 15 कितना होगा, आप प्लस करके देखिए, 19 प्लस 15 क्या आएगा आपके पास, सॉरी क्या आएगा आपके पास, 34, 19 प्लस 15 दैट इज 34। इसको और इसको प्लस किया ना आपने, 34 आया, 34 माइनस 34 दैट इज जीरो। अब यहाँ पे आ जाइए आप इस तरफ सॉल्व कीजिए, माइनस 26 प्लस 10 प्लस माइनस इज माइनस माइनस 20, ठीक है। अब देखिए आप अगर सिंपल करते हो अगर, तो देखिए आप माइनस 26 प्लस 10 प्लस माइनस, अगर आप उन दोनों को सॉल्व करते हो, अगर बोडमास रूल कोई नहीं भी यूज करते हो तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 26 माइनस 10 इज माइनस 16 और क्या बचा, माइनस 20, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस दैट इज 36, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको पहले माइनस माइनस कर लेते, सपोज अगर आप माइनस माइनस कर लेते, माइनस 26 माइनस 20 कर लेते, तो क्या आता आपके पास, माइनस 26 माइनस 20 क्या आता है, माइनस 46, तो माइनस 46 प्लस 10 तो कितना बचता आपके पास, माइनस 36, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो आपके पास क्या आया, 36। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते थे। अब आप बताइए जीरो बड़ा है कि माइनस 36 बड़ा है, जब आप नंबर नाइन ड्रॉ करते हो ऐसे, जीरो वन टू थ्री, तो माइनस 36 इधर आता है, तो कौन सा बड़ा नंबर है, जीरो बड़ा है कि माइनस 36 बड़ा है? यहाँ पे जो भी नेगेटिव नंबर रहते हैं वो सारे क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं। किससे छोटे रहते हैं, जीरो से छोटे रहते हैं, तो जीरो क्या है आपका, बड़ा नंबर। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, ट्वेंटी थ्री माइनस सिक्सटी वन माइनस इलेवन, ट्वेंटी थ्री माइनस सिक्सटी वन प्लस इलेवन, देखिए ट्वेंटी थ्री। अब देखिए यहाँ अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूँ, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, माइनस है प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 72। अब 72 में से आप 23 को माइनस कीजिए, क्या आएगा, 9, 6 में से गया 4, क्या आएगा प्लस 49, माइनस 49। ओके, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, देखो माइनस पहले इन दोनों को कर लीजिए, 23 प्लस 11, 23 प्लस 11 कितना होता है, 23 प्लस 11 तो आएगा आपके पास 34 माइनस 61, 34 माइनस 61 कितना होता है, देखो 34,
61 में से 34 गया, 11, 11 माइनस 11 माइनस 4 इज, करो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 7 आएगा, यहाँ पे देखो 5 में से 3, दैट इज 27, 61 माइनस 34 क्या रहता है आपके पास, 27। अब ये बताइए कौन सा बड़ा है, माइनस 27 बड़ा है कि माइनस 49, माइनस 27 बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट नेक्स्ट इज 200 माइनस 25 माइनस 50, 180 प्लस 40 माइनस 10। देखिए अब आप सॉल्व कीजिए 200, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 25 प्लस 15 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 40, ठीक है। 200 माइनस 40 कितना होता है, 160, देखियो 200 माइनस 40 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0, 10, 6, 1, क्या है, 160। अब यहाँ पे आके आप सॉल्व कीजिए, देखो 180 प्लस 40 कितना होगा आपके पास, 220, इन दोनों को अगर आपने सॉल्व किया तो 220 माइनस 10 दैट इज 210। अब कौन सा नंबर बड़ा आपके पास, 210 बड़ा है कि 160 बड़ा है, क्या है आपका बड़ा नंबर है, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, माइनस ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको फोर पार्ट दिए हैं और आपको दिया है कि ए ए क्या है, ए माइनस ऑफ माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, या आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। देखो फर्स्ट पार्ट दिया है आपको ए, ए पार्ट में आपके पास ए इक्वल्स टू 45 और बी इक्वल्स टू 30, ये फर्स्ट पार्ट है। तो वैल्यूज को पुट कीजिए, आप ए की जगह पे क्या लिखोगे, 45 माइनस माइनस ऑफ 30, देखो 45 माइनस माइनस इज प्लस 30, तो क्या आएगा 75, ठीक है। अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 इज ऑल्सो 75, इट मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर आपके आंसर दोनों के इक्वल नहीं आते तो इट मीन्स ये नॉट इक्वल होता। तो अब आप क्या लिखोगे, ए माइनस ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सिर्फ इसमें आपको ए और बी की वैल्यू को पुट करके सिर्फ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ही बताना है। नाउ सेकेंड पार्ट, नाउ सेकेंड पार्ट इज ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 12। वेरीफाई क्या करना, ए माइनस ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, आप पुट कीजिए ए की वैल्यू है 10 माइनस ऑफ माइनस 12, 10 माइनस माइनस इज प्लस 12, आंसर 10 प्लस 12 इज 20। इक्वल्स टू में भी कीजिए, क्या है आपके पास 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 इज 22, इट मींस ये दोनों क्या है, इक्वल है एक दूसरे, सॉरी क्या है, इक्वल, इट मींस ए माइनस ऑफ माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो सिंपली आपको वैल्यूज पुट करते हुए जाना है थर्ड। थर्ड इज ए इक्वल्स टू 75 एंड बी इक्वल्स टू 60, ये थर्ड पार्ट है आपका सी पार्ट। इस वैल्यूज को पुट कीजिए, ए माइनस ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस
ए क्या है आपका 75 माइनस ऑफ माइनस 60 इन 75 प्लस 60 क्या आएगा आपके पास 135। यहां पर भी इक्वल्स टू में आप देखिए 75 प्लस 60 मीन्स 135 किसके इक्वल है 135 के इक्वल है इट मीन्स ए माइनस ऑफ माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी नाउ डी पार्ट ए इक्वल्स टू 12 एंड बी इक्वल्स टू माइनस 4 ए माइनस ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी इसको ध्यान से देखिएगा आप क्या है ए इज 12 देखो ये माइनस ऑलरेडी है आपके पास ठीक है अब देखो माइनस 4 माइनस तो आप देखोगे 12 माइनस देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया तो ये आपका 4 होगा ठीक है माइनस माइनस इज प्लस या फिर आप ऐसे भी रीड कर सकते हो इसको रीड माइनस माइनस इज प्लस प्लस माइनस इज माइनस या फिर आप इसको माइनस माइनस प्लस करो माइनस माइनस प्लस प्लस क्या होगा 4 तो 12 माइनस 4 इज 8 यहां पर भी आप कर सकते हो क्या है 12 प्लस माइनस 4 तो देखिए आप 12 प्लस माइनस इज माइनस 4 इज 8 दोनों क्या है इक्वल है ठीक है ई पार्ट ए इक्वल्स टू माइनस 100 एंड बी इक्वल्स टू 20 वैल्यू पुट कीजिए ए माइनस ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ए क्या है माइनस 100 माइनस माइनस ऑफ माइनस 20 अब देखो माइनस 100 अब रीड कीजिए माइनस माइनस प्लस 20 अब माइनस प्लस इज माइनस 100 माइनस 20 इज 80 बट साइन किसका लगता है बड़े नंबर का ग्रेटर नंबर का 100 क्या है बड़ा है उसके पास क्या है माइनस इक्वल्स टू ए इज माइनस 100 बी इज 20 दैट इज माइनस 80 दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना था